नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तराखंड त्रासदी के 15 दिन बाद भी बद्रीनाथ में करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं। राहत काम में हो रही देरी से फंसे लोगों की आस टूटने लगी है, लेकिन बर्बादी में मरने वालों की असली तादाद को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जहां उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष इसकी संख्या 10000 के पार बता रहे हैं, तो वहीं सूबे के सीएम कह रहे हैं कि राज्य में महज 3000 लोग लापता हैं। केदार घाटी में कितने लोगों की मौत हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। केदारनाथ से लेकर रामबारा और गौरीकुंड तक हजारों लोग लापता हैं। इस वजह से मौत के आंकड़े को लेकर आशंका गहराती जा रही है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर आखिर कितने लोगों की जाने गयी, इस पर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। कि 5000 लोग मर गए हैं यहाँ पे, उसके बाद स्थानीय में भी 1000 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग लापता है। मृतकों की संख्या को लेकर आ रहे बयानों पर सीएम विजय बहुगुणा ने एतराज जताया है। उन्होंने इसे 3000 के करीब बताया। भगुना ने कहा कि मरने वालों की तादाद को लेकर बिना आधार के बयान देना सही नहीं। मृत्यु हो गई और कितने लोग लापता है, इस पे कोई जो है वो ऐसा बयान ना दे। शासन के पास जो सूचना है वो उसका आधार है और उसी आधार पे हम कह रहे हैं कि 3000 ऊपर नीचे लोग मिसिंग। सुना आपने, सीएम के मुताबिक करीब 3000 लोग लापता है। राज्य सरकार मृतकों के आंकड़े को लेकर इससे ज्यादा कुछ भी कहने को तैयार नहीं। भगुना ने ऐलान किया कि राज्य के जो लोग 30 दिन तक लापता रहते हैं, उनके परिवार के हलफनामे के बाद उन्हें मृतक मान लिया जाएगा और संबंधित परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। तक यदि वक्त व्यक्ति वापस नहीं आता और वो आदमी उनके परिजन हमको एक हलफनामा दे देंगे, तो राज्य सरकार राहत की राशि उनको दे देगी और हम मान के चलेंगे कि शायद उनकी मृत्यु हो गई है। सीएम ने केदार घाटी में मारे गए लोगों के विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने का ऐलान किया। इसके लिए 200 लोगों की टीम वहां जाएगी, जिनमें शवों का डीएनए सैंपल लेने के लिए कुछ डॉक्टर भी शामिल होंगे। परसों से ये दल जाएगा, जो कि मौसम अगर ठीक रहा, क्योंकि खाली हवाई जहाज जा सकता है, हेलीकॉप्टर जा सकता है। अगर हेलीकॉप्टर जा पाए तो जो शेष शव है जिनका दाह संस्कार होना है, वो परसों से विधिवत शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से केदारनाथ घाटी में अब तक हुए सामूहिक दाह संस्कार की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। सरकार का दावा है कि पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ घाटी में आपदा में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। राजीव गोयल के साथ मीरा रावत, देहरादून, इंडिया न्यूज़।